हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 फरवरी को होने वाले रॉ के फुल प्रीव्यू के बारे में। गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट रॉ, ड्रू मैकइंटायर फिर से सामना करेंगे रैंडी ऑर्टन का, और हमें एज भी क्या देखने को मिलेंगे, ड्रू मैकइंटायर का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है सेमस की ब्रॉक किक के बाद। गाइस, काफ़ी कुछ कन्फर्म कर दिया WWE ने, और हमें एलिमिनेशन चैम्बर पेपर का बिल्डअप देखने को मिलेगा, काफ़ी धमाकेदार रॉ है। तो क्या कुछ होने वाला है सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक लाइक से। और यार, इस बार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया ना मत जाना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और हमेशा की तरह फीमेल फर्स्ट। गाइस, यहाँ पर एक सेगमेंट कंफर्म कर दिया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें मैच देखने को मिलेगा लेसी इवांस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का, और जैसे कि लेसी इवांस के साथ होंगे यहाँ पर रिक फ्लेयर। तो ये सेगमेंट और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है भाई। अब लेसी इवांस और रिक फ्लेयर के बीच में अब क्या देखने को मिलता है, क्या कुछ नोटी होगा, ये तो हमें नेक्स्ट रॉ पर ही देखने को मिलेगा। पर क्या शार्लेट फ्लेयर बदला ले पाएंगी लेसी इवांस से? शार्लेट फ्लेयर का क्या रिएक्शन होगा रिक फ्लेयर पर? क्या फिर से अटैक करेंगे रिक फ्लेयर पर? ये सेगमेंट तो मज़ेदार रहने वाला है। इसके बाद गाइस, हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मिज एंड मॉरिसन सामना करेंगे डैमियन प्रीस्ट और बैड बनी का। हमें बैड बनी भी नेक्स्ट रॉ पर मैच करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस, अब मिज का मनी इन द बैंक का क्या होगा, ये भी नेक्स्ट रॉ पर हो सकता है WWE रिवील करे। इसके बाद गाइस, हमें देखने को मिलेगा चैलेंज, और जैसे कि अभी तक हमें मैट रिडल और बॉबी लैशली की फ्यूड देखने को मिली है, ये फ्यूड अभी भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो बॉबी लैशली और मैट रिडल का मैच हुआ था उसकी फेयर एंडिंग नहीं हुई थी, वो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ था। तो यहाँ पर मैट रिडल फिर से एक बार चैलेंज करेंगे, हो सकता है यहाँ पर WWE मैट रिडल को स्ट्रॉन्ग दिखाएं, मैट रिडल अटैक करने में कामयाब रहें बॉबी लैशली पर, या फिर मैट रिडल अटैक कर सकते हैं MVP पर। और WWE अगर सही में मैच प्लान कर रही है दोनों ही सुपरस्टार्स का, तो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर ही सही जगह है, और हमें बॉबी लैशली वैसे मैट रिडल का नेक्स्ट रॉ के एपिसोड पर मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गाइस, एक और तगड़ा मैच कंफर्म है गाइस, ये है चौथी बारे पर ये मैच है ड्रू मैकइंटायर वैसे रैंडी ऑर्टन का। फिर से दोनों रॉ के टॉप सुपरस्टार आमने सामने आने वाले हैं, तो ये मैच तो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। पर गाइस, मैं आपको बता दूं, एक नॉन टाइटल मैच है, यहाँ पर टाइटल दाव पर नहीं है, तो मैच अच्छा खासा रहने वाला है। कौन जीतने वाला है ये तो हमें रॉ पर पता चलेगा। पर गाइस, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये होने वाली है, यहाँ पर हमें इंटरप्शन देखने को मिल सकती है फिर से एक बार सेमस की। पहले गाइस, WWE ने ड्रू मैकइंटायर और सेमस का सेगमेंट कंफर्म किया था, पर अब हमें मैच देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन का। और WWE ने, हो सकता है, सेगमेंट इसलिए हटाया हो क्योंकि ड्रू मैकइंटायर को WWE वीक नहीं दिखाना चाहती। और हमें कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जब ड्रू मैकइंटायर रेसल कर रहे होंगे रैंडी ऑर्टन से, तो सेमस धोखे से आएंगे और वो ब्रॉक किक लगा सकते हैं, फिर से अटैक कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर पर, और हो सकता है इस वजह से यहाँ पर रैंडी ऑर्टन मैच जीत जाए। पर गाइस, रैंडी ऑर्टन भी कैसे मैच जीत सकते हैं? रैंडी ऑर्टन की फ्यूड चल रही है एलेक्सा ब्लिस से, अब क्या करेंगे एलेक्सा ब्लिस का? रैंडी ऑर्टन फिर से RKO लगाएंगे एलेक्सा ब्लिस को? ये कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन की, तो ये देखना भी काफ़ी मजा आएगा। अब एलेक्सा ब्लिस क्या पैतरा अपनाती है और क्या फिंड रिटर्न करेंगे? फिंड का रिटर्न हो सकता है हमें इतनी जल्दी देखने को ना मिले, अब WWE फिंड का रिटर्न देर से ही कराने वाली है। इसके बाद गाइस, हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें मैच देखने को मिल सकता है नाओमी वर्सेस साइना बैचर का। और जैसे कि आपको पता है, एलिमिनेशन चैम्बर पेपर के लिए नाओमी एंड लाना वर्सेस नाया जैक्स एंड साइना बैचर का मैच कन्फर्म है वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर ये मैच देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि गाइस, जैसे कि आपको पता है, लाना और नाया जैक्स की पुरानी हिस्ट्री कैसे रही है, लाना को कई बार कमेंट्री टेबल में पटका, तो क्या यहाँ पर नाओमी और लाना बदला ले पाएंगी नाया जैक्स और साइना बैचलर से? WWE यहाँ पर नाओमी और लाना को जरूर तगड़ा पुश देगी और स्टैंटॉल दिखाएगी, स्ट्रॉन्ग दिखाएगी, तो ये मैच भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके अलावा गाइस, रॉ टैग टीम चैंपियन सेड्रिक एलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन की फ्यूड अब किसके साथ रहने वाली है? पिछले हफ्ते तो एक तगड़े मैच में लूचा हाउस पार्टी को हरा दिया, तो अब कौन चैलेंज करेगा, हमें किसकी टैग टीम देखने को मिल सकती है? क्या यहाँ पर जेफ हार्डी और कलीटो आके चैलेंज कर सकते हैं? क्योंकि अगर WWE चाहती है टैग टीम और आगे जाए, हमें दोनों साथ में देखने को मिले, तो वो रॉ टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, यहाँ पर एक तगड़ी फ्यूड देखने को मिल सकती है दोनों टीम्स के बीच में। तो दोस्तों, ये सारे सेगमेंट और मैचेस तो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा WWE काफ़ी कुछ दिखाएगी एलिमिनेशन चैम्बर पेपर के लिए। पर गाइस, आप जरूर कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है ड्रू मैकइंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में कौन जीतेगा, और एलेक्सा ब्लिस क्या दोबारा से अटैक करेंगी रैंडी ऑर्टन पर। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने से बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना।